सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक हफ्ते के बाद व्लॉग फिर से शूट हो रहा है, क्योंकि रीजन आप सभी को पता है, मेरा मोबाइल फोन खराब हो चुका था पूरी तरीके से और कम्प्लीटली डैमेज हो गया था। तो इस वजह से मुझे फोन लेने और सेलेक्ट करने में 2 से 3 दिन का समय लग गया। तो फिलहाल अभी ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे न्यू मोबाइल से। तो पता तो आप सबको चल ही गया होगा, वीवो V27 Pro मैंने नया फोन अभी लिया है कल ही, और आज ये पहला ब्लॉग शूट हो रहा है। फिलहाल अभी टाइम हो चुके हैं, सुबह के बजने वाले हैं 9:30 और मैडम इधर रेडी हो रही हैं। तो जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज है एकादशी और पहला ब्लॉग भी बहुत अच्छे दिन से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मंदिर ही जा रहे हैं, तो चलिए मैडम तैयार हो जाए, उसके बाद चलते हैं। सो गाइस, फाइनली लेट लतीफ मैडम तैयार हो चुकी हैं, और पूरा इनको तैयार होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं 10 मिनट पहले तैयार होके खड़ा हूँ, इनको 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो चलिए चलते हैं, रेडी हो चुकी हैं, मंदिर चलते हैं, क्योंकि इनका है फास्ट और फटाफट से आकर के चाय पीनी है भाई साहब, उसके बाद निकल रहे हैं ऑफिस भी। चाय पीनी है? हाँ ठीक है, चलते हैं मंदिर, मंदिर पहुँच के मिलते हैं आपसे। सो गाइज, अभी निषादगंज वाले रूट पर हैं और बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के पास में हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी शॉप्स वगैरह लगना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि आज है मुहर्रम और ताजिया जुलूस, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी निकलेंगी और पूरा ट्रैफिक शाम तक में यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पे सारी शॉप्स लग गई हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है ये पूरे निषादगंज रूट पर। बच्चों के खिलौनों की शॉप है, और वैसे तो हम लोग मंदिर जा रहे थे पर मैंने सोचा कि रोक करके ये चीज़ आपको दिखा देते हैं। आज हलवा पराठा बहुत फेमस होता है बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के पास का। पूरा नज़ारा देखे, कितनी ज़्यादा चहल पहल हो गई है सुबह सुबह ही 10 बजे। दोनों साइड रूट पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अभी मंदिर पहुंच गए हैं और भीड़ आज दिख रही है इस टाइम पे काफ़ी, क्योंकि एकादशी है, एकादशी के दिन भीड़ होती ही है। तो अभी बैक कैमरे से और इस फोन के एक फीचर को यूज़ करते हुए आपको मैं दोनों साइड के कैमरे से दिखाता हूं। फिलहाल आज श्रृंगार भी बहुत अच्छा हुआ है। सो गाइस, यहां पे देखिए कितनी ज़्यादा लाइन इधर अभी लगी हुई है, और वन बाई वन लाइन वाइज सारे दर्शन होंगे और बाबा के दर्शन आपको अभी यहीं से हो रहे हैं। श्रृंगार आज बहुत प्यारा है, लाइट ग्रीन कलर में। तो ये है श्री श्याम मंदिर लखनऊ, और बाबा का दरबार है ही इतना प्यारा कि आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ से। और अभी कुछ देर में ये लाइन जो है बाहर तक का जाने वाली है, बाहर आप देख सकते हैं इतना बड़ा प्रांगण दिया हुआ है बाहर और अंदर भी। तो जितनी भीड़ अभी लाइन आपको अंदर दिख रही है, कम से कम ये लाइन 50 लोगों से ऊपर की लगी हुई है यहाँ पे। तो कुछ ही देर में अभी ये लाइन बाहर तक पहुँच जाएगी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। सो गाइस, इस फोन का एक बहुत ही यूनिक फीचर है ड्यूअल व्यू कैमरा। तो फ्रंट एंड बैक बोथ कैमरा का व्यू अभी आप देख पा रहे हैं, और ये है वो एंट्रेंस जहाँ से हम लोग आते हैं, और ये श्याम मंदिर, इधर गौशाला, बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे।
और यहाँ पे है मैडम, अभी मैडम के पास चलते हैं, इनको बुलाते हैं फ्रंट कैमरा पे। आ जाइए, आ गई, अभी पता नहीं देख रही थी इधर शेषनाग और भगवान कृष्ण की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है, तो चला जाए, कीर्तन वगैरह होने हैं उसी के यहाँ पे लगे हुए हैं अभी, झूला उत्सव और रक्तदान शिविर का भी लगा रहता है। कौन सा है ये? हैदरगढ़ बाराबंकी के आसपास ये मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रस्तावित श्री खाटू श्याम मंदिर देख पा रहे हैं, कितना सुंदर और भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, कुछ कुछ राम मंदिर जैसा ही वो है ना डिजाइन, पीछे तो में केदारनाथ लग रहा है। हाँ, लेकिन ये जो मॉडल लिया गया है ये कुछ कुछ राम मंदिर जैसा ही लग रहा है। तो फिलहाल बहुत अच्छा मंदिर निर्माण हो रहा है बाराबंकी में, अगर जब बन जाएगा तो फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। और झूला उत्सव भी 15 अगस्त को है झूला उत्सव। सो फाइनली गाइज, अभी दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा उमस भी है आज। चलते हैं घर, चाय वाय पी के उसके बाद निकलते हैं ऑफिस के लिए। गाइज, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बजने वाले हैं और भूख लग चुकी थी काफ़ी तेज़, तो मैं और अभिनव अभी निकल आए हैं गोमती नगर के, कौन सा एरिया है ये? वो है राम भवन, राम भवन एरिया में। और खस्ते खाने के लिए अभी फिलहाल रुक चुके हैं हम लोग, गए तो थे अपने, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, गए थे अपने काम से, थोड़ा सा इनको वॉच वगैरह का कुछ काम था, पर आज मुहर्रम होने की वजह से शॉप्स हैं बंद, तो वापस लौटते लौटते हम लोग सोचा कि रुक लेते हैं, खस्ते वगैरह खा लेते हैं। तो अभी भैया बना रहे हैं यहाँ पे और भूख बहुत तेज़ लगी है सच में। ऑफिस में बैठे बैठे ही मैं बोल रहा था अभिनव से कि यार चलो कहीं निकलते हैं, खाते हैं यार फटाफट से, उसके बाद चलते हैं फिर से ऑफिस। तो गाइज़, अभी तैयारी हो रही है आलू चाप की और मैडम का तो आज है फास्ट, तो उनकी अभी साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनेगी और ये भाभी बना रही हैं इसकी बॉल्स वगैरह। साथ साथ में पापा अभी लेकर के आए हैं ये आम, और आम नहीं है, आप किसी के सर पे अगर मार दें तो उसका सर खुलने की संभावनाएं पूरी तरीके से हैं। ये एक एक आम मुझे लगता है शायद आधा आधा किलो से ज़्यादा का ही है, वैसे मैं तो खाता नहीं हूँ, गलती से छू लिया। सो गाइस, फाइनली अभी टाइम हो रहे हैं, रात के बजने वाले हैं 8:30 और ये दोनों पूरे ब्लॉग के एकदम एंड में आ जाए हैं, क्योंकि सुबह से कर रहे हैं लोग मस्ती और मैं ऑफिस से आया था तब ये लोग नीचे थे और सो के जस्ट उठे हुए थे, उसके बाद में इधर उधर ही थे, अभी ये मेरे हाथ आए हैं। मल्लू हेलो गाइस करो, हेलो बोलो, आज इनकी बोलती नहीं निकल रही, वरना तो ये अब हेलो गाइस के साथ में हेलो बोलते भी हैं। और आज कौन आया है तुम्हारे घर पे? कौन आया है? फिश फिश रखी है। तो गाइज, आपको इन दोनों का एक दिखाते हैं, मल्लू दिखाएंगे आपको, मल्लू चलो फिश दिखाओ, ये देखो मल्लू उतरो, फिश दिखाओ, इस पे चढ़ के दिखाओ, चलो इस पे खड़े हो जाओ, आ जाओ, फिश कहाँ है, कहाँ रखी है? तो गाइज, ये एक्वेरियम रखा हुआ है और ये मल्लू दिखा रहे हैं आपको एक्वेरियम। तो इन एक्वेरियम की अभी पूरी मरम्मत और इसको सेटिंग का काम चल रहा है। एक्चुअली ये एक फ्रेंड्स के यहाँ पे किसी के रखी हुई थी, भैया के फ्रेंड के यहाँ पे, तो जस्ट उन्होंने अभी इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। एक्चुअली उनके घर पे ज़्यादा कोई रहता नहीं है, सो इस वजह से इसकी देखभाल नहीं हो पा रही थी। बेटा चिल्लाओ नहीं ना, इस वजह से ये एक्वेरियम यहाँ आ चुका है और अभी इसमें नए मेहमान हम लोगों को लेकर के आने हैं, तो पहले हम इसको प्रॉपरली सेट करेंगे, उसके बाद इसमें फिश वगैरह लेकर के आएंगे, तो दिखाएंगे जिस दिन ये सारा प्रक्रिया पूरी करी जाएगी उस दिन हम आपको जरूर दिखाएंगे।
तो फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं और होप सो आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन ब्लॉग में। और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको लखनऊ को एक्सप्लोर करके दिखाया जाए, नई नई जगहों को भी एक्सप्लोर करके दिखाया जाए। तो अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाँ, बाय बाय।